आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। निकाय चुनाव को लेकर प्राइम टीवी लगातार आपको खबर बता रहा है। बता दें, लगातार आपको सटीक खबर प्राइम टीवी के जरिए मिल रहे हैं। दर्शक लगातार प्राइम टीवी देख रहे हैं, लगातार दर्शकों की निगाहें प्राइम टीवी पर टिकी हुई है। बता दें, मतगणना स्थल पर एलईडी स्क्रीन लगाकर प्राइम टीवी को दर्शक देखते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार दर्शक प्राइम टीवी को देख रहे हैं, क्योंकि प्राइम टीवी सटीक जानकारी दे रहा है लगातार निकाय चुनाव को लेकर। ये मतगणना स्थल पर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां लगातार दर्शक प्राइम टीवी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्राइम टीवी सुबह से ही सटीक जानकारी दे रहा है, पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता आपको दे रहे हैं। बता दें, मतगणना स्थल पर एलईडी स्क्रीन में दर्शक प्राइम टीवी को देख रहे हैं, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, क्योंकि प्राइम टीवी पल पल की अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे रहा है। प्राइम टीवी की टीम लगातार कवरेज में जुटी हुई है, सुबह से ही मतगणना हो रही है और इसके देखते हुए हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम जानकारियां पल पल की अपडेट हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। और इसी के चलते आप देख सकते हैं, एलईडी स्क्रीन लगाकर दर्शक प्राइम टीवी को देख रहे हैं, क्योंकि पल पल की अपडेट एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी प्राइम टीवी आपको दे रहा है। बता दें, आज निकाय चुनाव के मतगणना हो रही है, जिसको लेकर प्राइम टीवी लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। बता दें कि निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी लगातार आगे चल रही है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं और कपीश श्रीवास्तव सपा से हमसे जुड़े हुए हैं, वहीं अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। विवेक श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। बिल्कुल मयूरी जी, ये हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे दोनों सरकारों के द्वारा लाए गए योजनाओं की, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूत कानून व्यवस्था की, और सबसे बढ़कर के उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्र में रहने वाली जनता जनार्दन की जीत है, जिन्होंने अपना आशीर्वाद पूर्व की तरह लगातार हमारे प्रत्याशियों को, हमारी पार्टी को प्रदान किया। हम हृदय से जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अपनी बढ़त को कैसे देखते हैं विवेक जी आप? देखिए मयूरी जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के सुख दुख में शामिल रहने वाली, 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ जनता के अंतिम पायदान पर खड़े सीधे आदमी को मिल रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से मजबूती से काम कर रही है, कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है, उत्तर प्रदेश बीमारु राज्य से बढ़ करके अब विकास के पथ पर नए पायदान चढ़ रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश टैक्स के मामले में सबसे दुष्ट प्रदेश हो जाएगा। जी, निकाय में तो आपने कमल खिला लिया, लेकिन कर्नाटक में कहां चूक रह गई? देखिए, कर्नाटक में कहीं ना कहीं हम अपनी बात जनता को समझाने में नाकामयाब रहे। जनता ने वहां हमें विपक्ष की भूमिका दी है, जो भी मत मिला हमें, जिस भी वर्ग से मिला, जहां से मिला, हम सबका सम्मान करते हैं, उन सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हमें विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है, हम वो भूमिका वहां ईमानदारी से निभाएंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो लोक लुभावन वादे करके वहां पे जनता को गुमराह करने का कार्य किया है,
हम सड़क से लेकर के विधानसभा तक बारीक निगाह रखेंगे कि कांग्रेस की सरकार उन घोषणा पत्र के उन वादों पर अमल करे और उसका लाभ जनता को मिले। जी ठीक है, हमें भी जी जी कपेश जी मैं आपके पास आऊंगी। 2017 में भी नगर निगम में वही हाल, 2023 में भी वही हाल, कहां चूक रह गई? समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय में दूसरा स्थान हासिल किया है और नगर निगम में 13 स्थानों पर, और बाकी जगहों पे आपने देखा है कि नगर पालिका में 79 अगर भाजपा की है तो 35 हमारी भी। तो इसी तरीके से नगर पंचायतों में भी आप देख लीजिए, 350 से ज्यादा हमारी सीटें, अगर इनकी 450। तो बात इस चीज की है कि नेक टू नेक फाइट हमने पंचायत और निकाय के अंदर, जहां तक नगर निगम का सवाल है तो नगर निगम में भी बहुत जगहों पे कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी ने। लेकिन एक चीज इसमें जरूर मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से मतदान को इन्होंने प्रभावित किया, मत पड़ने से पहले जिस तरीके से लोगों की लंबी लंबी कतारें रही, उनके नाम नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने जो नाम पढ़वाए थे वो पढ़े ही नहीं ना। और इन्होंने बस्ती के हिसाब से धर्म और जाति देख करके इन्होंने नाम कटवाए। ये इससे पहले कि हम चुनाव में जाएं इसकी शिकायत हमने करी। इधर ही आप देख लीजिए, अभी गोरखपुर नगर निगम के अंदर जिस तरीके से एक तरफा कोई राउंड की गिनती नहीं बताई गई, सीधे घोषित कर दिया गया कैंडिडेट। अभी आपने बलिया के अंदर देखा कि 3 मत पेटियां पूरी तरीके से सील थी, लेकिन खुलने पे पता चला कि एक भी मत पत्र उसके अंदर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से प्रशासन ने नगर निकाय के चुनाव में एक अपना डंडा चलाया है, तो समाजवादी पार्टी कहां है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, समाजवादी पार्टी तो इनके प्रशासन और शासन से चुनाव लड़ रही है, और इसलिए लड़ रही है कि 3 दिन पहले नए नियम बदल दिए जाते हैं नगर निकाय के अंदर चुनाव की गिनती कि अब हम चक्र जो चक्र एक पूरा होता है तो उसकी घोषणा होती है, उसकी घोषणा इन्होंने नहीं, ये टेबुलेशन पर लेकर के चले हैं। एक एक टेबल की टेबुलेशन कौन कैसे चेक करेगा? आप मुझे बताइए मयूरी, आखिर पुराने समय से जो ये एक चक्र पूरा होता था तो उसकी घोषणा की जाती थी, ये आखिर क्यों बंद की? और इस तरीके से करके इन्होंने सारे नगर निगमों के अंदर अपनी जीत। सर लेकिन जनता ने उन्हें चुना है, सर जनता ने उन्हें चुना है। जनता ने नहीं चुना है, प्रशासन ने उन्हें चुना है। जब आप चक्र की घोषणा ही नहीं करना है और टेबलिंग चार्ट आप जैसा चाहिए वैसा बना लीजिए, उससे हम लोगों से क्या फर्क पड़ता है? टेबलिंग तो ये करेंगे ना, लेकिन प्रत्येक चक्र अनुक्रम को पूरा करने के बाद इनको घोषणा करनी चाहिए थी जो मुसलसल होती रही है, उसमें आखिर इन्होंने नियम में परिवर्तन क्यों किया? और मैं जो आपको कह रहा हूँ कि बलिया के एक क्षेत्र के अंदर 3 मत पेटिका काली पाई गई, उस पर इनसे प्रश्न पूछिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब ऊपर से सीलबंद है, खोलने पे एक भी मत उसके अंदर नहीं। कि सर आपके द्वारा भी तो अखिलेश यादव द्वारा भी प्रचार किया गया, नगर निगम में गए, कहां चूक रह गई, कहां जनता को विश्वास नहीं दिला पाए कि एक भी सीट नहीं मिली? मैंने आपको बार बार ये कहा कि जब आप मत की गिनती ही में परिवर्तन करवा देंगे, आप चक्रानुक्रम की घोषणा नहीं करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुआ? निष्पक्ष बिल्कुल नहीं हुआ। और इसके साथ ही आपको बता दें, बहुत से स्थानों पे आपने देखा होगा कि देखिए इनकी बी टीम भी तमाम जगहों पे लड़ रही है, उसका भी प्रभाव है। इनके पास जहां अपने कैंडिडेट नहीं थे वहां ये हमारे कैंडिडेट उठा के एक दिन पहले ले गए और छाती ठोंक के कहते हैं कि पार्टी में इतना डिफरेंस है। इनकी तो संवैधानिक चूल्हे जो इन्होंने हिलाई है उसको तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने खोल करके दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर रख दिया। जो अत्याचार इन्होंने किया, क्या ये आपके या मीडिया की दृष्टि से छुपा हुआ है? जो पार्टी इस स्तर पे उतर सकती है कि राज्यपाल का गलत इस्तेमाल करा रही हो, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो जिलाधिकारी से क्या कराएगा? जिलाधिकारी मतगणना की गिनती के समय में अंदर बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते हैं? बाकी निर्वाचन अधिकारी और अन्य जो लगे हुए हैं, आप पुलिस के प्रशासन पटवा रहे हैं, लाठी पटवा के अभिकर्ता भगा रहे हैं, आप टेबलिंग चार्ट बदल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं।
आपको रोकना चाहूंगी मैं आपको, सीधे आपको बीजेपी कार्यालय ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। जीत के बाद भारी उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यालय के बाहर। वहीं हमारे संवाददाता लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे संवाददाता विवांशु मौके पर मौजूद है। विवांशु आप मौके पर मौजूद है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव पर इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर पूरे जश्न का माहौल है। मैं अपने सहयोगी अरविंद से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि ठीक सामने बीजेपी का प्रदेश दफ्तर है जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस जीत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ शिविरों में देख रही होंगी कि एक लंबे तादाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं दूसरी तरफ दिखवाना चाहूँगा अपने सहयोगी से कहकर कि आप दिखाएं कि यहाँ जो अलग अलग वार्डों से जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं पार्षद के तौर पर और साथ ही साथ नगर पालिका नगर पंचायत, वो भी धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि यहाँ एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं, जीत का पूरा जश्न मनाया जा रहा है। दल गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई है, उस मुद्दे पर भी आज बातचीत की जाएगी। एक बार मैं तस्वीरों में आपको कहूंगा कि दिखाएं हमारे सहयोगी कि यहां के तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ यहां जो भी एंट्री कर रहा है उसको मेटल डिटेक्टर और तमाम जो नॉर्म्स होते हैं उसको देखते हुए यहाँ पर पूरे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। महज कुछ ही क्षणों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 17 नगर निगम की सीट और साथ ही साथ नगर पालिका नगर पंचायत सीटों पर विजय होने के बाद उस पर कहीं ना कहीं जनता को एक आभार और धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे। नंदनी विवांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहेंगे ही, और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? जी अगर बात की जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफिला यहां पहुंच चुका है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के हिस्सा निर्बल एवं शोषित पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद समेत कई बड़े नेता यहां पहुंचेंगे। साफ तौर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के अंदर में जो निकाय चुनाव के मतदाता हैं उनको आभार अभिनंदन प्रकट करते हुए तमाम शीर्ष नेता नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चुनाव को कहीं ना कहीं लोकसभा का सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया है और कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अगर बात करें तो बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और नगर निगम की उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम की सीटों में से 17 नगर निगम अपने पाले में करते हुए नजर आई है। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर के अंदर में पहली बार निकाय चुनाव हुआ और शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अगर बात की जाए तो धीरे धीरे यहाँ कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि जो भी कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो उसे पूरी चेकिंग करके अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। नंदनी मयूरी विवांशु, जिस तरह हमने देखा कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे, उनके मंत्री प्रचार प्रसार जमकर किए, तो क्या ये उसी का नतीजा है जो आज उनको बम्पर जीत मिली है? जी बिल्कुल, आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रियता का नतीजा है कि आज निकाय चुनाव में एक बेहतर परिणाम के साथ बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग दर्जनों से ऊपर सभाएं करते हैं। साथ ही साथ आपको बताया कि सरकार के कैबिनेट के मंत्री भी कहीं ना कहीं चुनाव में बढ़चर का हिस्सा लिए। साथ ही अगर बात की जाए तो जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, चाहे बात करें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा हो, चाहे बात करें बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख का जिम्मा,
जिम्मा हो, सभी जो भारतीय जनता पार्टी के दल के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बढ़ चढ़ कर इसमें रुचि दिखाते हुए इस चुनाव में नजर आए, जिसका नतीजा है कि बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव जाते हुए नजर आया है। यहाँ आप मैं तस्वीरों में एक बार दिखाना चाहूँगा कि जो आप देख रही है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी यहाँ इस बैठक में हिस्सा लेने पहुँचे हैं। इनके अगर बात करें तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के जिम्मा गाजीपुर, बलिया और आस पड़ोस जो पूर्वांचल की अहम सीट थी उस पर इनका जिम्मा था, और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, जिसका नतीजा है कि पूर्वांचल में भी एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को हासिल हुई है। जी बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, वहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, कैसा उत्साह है उनमें? जी बिल्कुल, हम नंद मयूरी बात करेंगे। यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रदेश के अंदर में हो रहे निकाय चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आए। आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है? जी मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम DK शुक्ला एडवोकेट है। DK शुक्ला जी, आज आपकी पार्टी आज एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? ये मेरे हिसाब से तो अधर्म पर धर्म की विजय है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के CM फेस पर UP की जनता को पूरा भरोसा है, और हमें लग रहा है कि 2024 में इससे इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था लोकसभा के, और बीजेपी कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव विपक्षियों के लिए कितना एक चुनौती विषय होगा? बिल्कुल चुनौती होगी, इसमें किसी भी प्रकार से वो एड़ी से चोटी का जोर लगा दे, लेकिन भाजपा जो है 2024 में पूर्ण बहुमत से और उससे ज़्यादा कहीं वोटों से विजयी होगी। यहाँ कई श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राकेश अवस्थी है, मैं आया हूँ शहादतगंज से। हम बहुत जीत पर किसको श्रेय देना चाहते हैं? हम इस जीत पे क्या कहते हैं, हम मोदी जी को श्रेय देंगे, योगी जी को देंगे, माननीय बृजेश पाठक जी को देंगे, केशव प्रसाद मौर्या जी को देंगे। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम सिर्फ नेतृत्व को ये श्रेय देंगे। जी विवांसु, जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, और अब वो जनता को अभिवादन, यानी कि जो भी तमाम मत उनके पक्ष में मिले हैं, उनका अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। हम आपको सीधे मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता को सुनाते हैं। जी धन्यवाद से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे संवाददाता बीजेपी कार्यालय से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनका रुख करूंगी। अभिमन्यु जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अंतर मन से पूछते तो होंगे ही, गहन चिंतन तो करते ही होंगे कि कहां आपसे चूक रह जा रही है, फिर कोई भी चुनाव हो, वो लोकसभा का, विधानसभा का हो, या कोई भी लोकल बॉडीज का चुनाव हो, आप वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, कहां चूक रह जा रही है? मयूरी जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम अंतर मन की आवाज भी सुनते हैं, सिर्फ मन की बात नहीं करते रेडियो पर की एक तरफा संवाद हो। अभी कर्नाटक में आज ही रिजल्ट निकल रहा है, शायद आपको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता सर, मुझे बिल्कुल है, मैं निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ। कहा ना, आपने जो सवाल किया मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ। सर मैंने यूपी को लेकर चुनाव किया, मैंने यूपी को लेकर आपसे सवाल किया है। सर मैंने यूपी को लेकर आपसे सवाल किया, केरला फाइल्स कर्नाटक को लोग तोड़ना चाहते हैं। सर मैं अभी कर्नाटक पर आई ही नहीं, वो भी मैं आपसे सवाल करती बातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ जनता का मैंडेट है, जनादेश के निर्णय का स्वागत होना चाहिए, आपको भी स्वागत करना चाहिए, सिर्फ ये छोड़ना। बिल्कुल आती सर, मैं कर्नाटक की बिल्कुल आती, लेकिन मैंने निकाय चुनाव को लेकर आपसे सवाल किया है। हिमाचल ना दिखे, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, और स्थानीय निकाय में भाजपा जो है बहुत मजबूत दल है, इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो जूके तू खड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भाजपा पे आरोप है, कूड़े का ढेर हर नगर निगम नगर पंचायत पर है, कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में थी, हम अपनी बात को नहीं समझा पाए। जनता का जो जनादेश है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा, शाहजहांपुर
मुरादाबाद और झांसी में नेक टू नेक फाइट कांग्रेस पार्टी के साथ भाजपा की हुई है। हमने प्रोग्रेस किया है, जिस तरह 2022 में कांग्रेस पार्टी 1989 के बाद हम लोग आकर अकेले लड़े थे, क्योंकि हमेशा गठबंधन के साथ लड़े, आके लड़े, सिर्फ हमारे दो विधायक जीते, उसके बाद बिल्कुल नई तरह से पार्टी को खड़े करने में हम लगे हुए हैं। अब हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पता लगेगा शाम तक कितने हमारी वोट परसेंट पड़ी हुई है। पूरे जोश खरोश के साथ है पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अभिमन्यु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधे आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा नगर निगम में 1420 वार्ड हैं जिनमें पार्षदों का चयन होना था, चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले 17 में 596 पे विजय प्राप्त की थी और अब तक जो कुल परिणाम आए हैं 794 में से 438 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चले कि पिछली बार की तुलना में दुगने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में जीत रहे हैं। ऐसे 1367 नगर पालिका परिषद के पार्षद हैं। विगत वर्ष 17 में 923 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, इस बार अभी तक 5327 में से 1367 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 638 भारतीय जनता पार्टी अभी जीत चुकी है और ये संख्या काफी ज्यादा आगे बढ़ने जा रही है। यानी पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगने से अधिक पार्षद इसमें भी जीतने जा रही है। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी 7177 पार्षद चयन होने थे। विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 664 कुल पार्षद प्राप्त हुए थे, अब तक 2457 में से जो परिणाम आए हैं उनमें से 933 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है और अभी काफी बड़ी संख्या में परिणाम आने जा रहे हैं। ये मान के चले लगभग 4720 के परिणाम आने बाकी हैं, इसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम जा रहे हैं। ये सभी रुझान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4,32,00,000 मतदाताओं ने, यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं, 545 नगर पंचायतें हैं। इन सभी को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो यह 762 नगर निकाय कुल आते हैं। 762 नगर निकाय में एक का पहले चुनाव हो चुका था, झांसी में एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका और गौतम बुद्ध नगर में एक नगर पंचायत सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पहले ही वहां गठित हो गया। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय, हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। विगत वर्ष जब 2017 में चुनाव हुए थे उस समय 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे और 16 नगर निगमों के चुनाव जो संपन्न हुए थे उनमें से 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। पहली बार
17 की 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत करके एक ऐतिहासिक जनादेश को प्राप्त की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। 96 जो विधानसभा थी वह हमारे सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक से राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहां पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण यह सीट खाली हुई थी, उनके सदस्यता समाप्त होने के कारण सीट खाली हुई थी। इसे भी हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के दोनों विधानसभा उपचुनाव के मतदाताओं के प्रति 17 नगर निगम 199 नगर पालिका और 559 जो हमारे नगर पंचायतें 544 नगर पंचायतें हैं इनके सभी मतदाताओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे 4,32,00,000 से अधिक मतदाता इस नगर निकाय चुनाव में भागीदार बने थे। 6,00,00,000 से अधिक की आबादी नगर निकायों में उत्तर प्रदेश में निवास करती है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी चुनाव संपन्न हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग को इन चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी पूरी मशीनरी को भी प्रशासन पुलिस और सभी राजनीतिक दलों को भी जिन्होंने आचार संहिता के पालन को मान करके पूरे संयम के साथ चुनाव की व्यवस्था को लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए संपन्न करने में योगदान दिया है और नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगियों के द्वारा किए गए प्रयास संगठन के द्वारा बनाई गई व्यूह रचना का परिणाम है कि प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को यह जनादेश दिया है। मैं इस जनादेश के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में निवास करने वाले सभी मतदाताओं का दोनों उपचुनावों के सभी मतदाताओं के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास सुरक्षा और सुशासन के लिए जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप परिणाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। मीडिया के आप सभी बंधुओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने शासन की योजनाओं को समय समय पर जनता तक पहुंचाने और प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता के जिस कार्यक्रम को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया है इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जिन्होंने जीत को लेकर कहा है कि ये जीत कार्यकर्ताओं का नतीजा है। और बता दें जीत को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। एक बार फिर से मैं गेस्ट का रुख करूंगी अभिमन्यु। मतगणना जारी है, वहीं अब रुझान भी सामने आ गए हैं, नतीजे भी सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 17 नगर निगम में 17 सीटों पर जीत मिली है। वहीं सपा बसपा कांग्रेस और अन्य दल शून्य पर ही रहीं। बता दें निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। वहीं बीजेपी कार्यालय में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
पल पल की अपडेट, सटीक जानकारी प्राइम टीवी के माध्यम से सुबह से ही आप देख रहे हैं। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता प्राइम टीवी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। बता दें सभी 17 सीटों पर पहली बार जीते सीएम योगी ने कहा है। अभी कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत को लेकर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें पहली बार 17 नगर निगम में भाजपा ने अपनी पैठ जमाई है। 17 नगर निगम की 17 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं 199 नगर पालिका की बात करें तो 49 पर भाजपा का कब्जा है। वहीं सपा का 35 पे, बसपा 22 और कांग्रेस 5 और अन्य 48 पर है। अभी के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।